स्वागत है आपको कलाहंडी डायरी यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप लोगों को नुआपाड़ा जिला का तिखाली डैम दिखाऊंगा, जो कि नुआपाड़ा जिला का खड़ियार ब्लॉक से 17 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। चलिए चलते हैं। डैम का पहला हिस्सा है और यहाँ से हम जाएंगे मेन गेट की तरफ और आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। गेट की तरफ। पश्चिम उड़ीसा का सबसे छोटा जिला नुआपाड़ा जिला है। पहले यह जिला कलाहंडी जिला के साथ था। प्रशासनिक सुविधा के कारण 27 मार्च 1993 में नुआपाड़ा जिला को स्वतंत्रता जिला की मान्यता मिली थी। यहाँ पे जाते समय रास्ते में एक बाबा भोले शंकर का मंदिर है। ये जो मंदिर के नीचे छोटे छोटे मंदिर है, ये सब मंदिर जो गांव पानी में आ गया था डैम की वजह से, उसी गांव का मंदिर को यहां बनाया गया है। जो देवा देवी उस गांव में थे, उन देवा देवी का मंदिर है। चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं मेन गेट की तरफ। आप लोगों को डैम के चारों तरफ ऐसे ही रास्ता देखने के लिए मिलेगा, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाइक चलाने में तो बहुत ही मज़ा लग रहा है। चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे डैम के साइड में एक पार्क बनाया गया है, जिसमें बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए बहुत से सामग्री रखा गया है। जो लोग भी पिकनिक आते हैं, यहाँ पे भी आप जा सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं मेन गेट की तरफ और आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। यहाँ से रास्ते से जाते टाइम आप लोगों को ये सब नज़ारा देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत से लोग यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं और अभी तो नया साल आने वाला है, तो बहुत से भीड़ होने वाला है। यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ आते हैं। फाइनली हम वो जगह को पहुँचने वाले हैं। यहाँ फिर से देखते हैं वो कैसा लग रहा है वो डैम। ये इंद्रा डैम लिखा हुआ है। ये डैम इंद्रा नदी के ऊपर बनाया गया है, इसीलिए लोग इसको इंद्रा डैम के नाम से भी जानते हैं। स्थानीय लोग उसको तिखाली डैम के नाम से जानते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये जो गेट बंद है, नहीं तो ऊपर जाके भी उसका आनंद ले सकते थे। ऊपर से कैसा दिख रहा है, फिलहाल बंद है, तो आगे चलते हैं। हम फाइनली वो मेन गेट के पास पहुंच चुके हैं। अब अंदर जाएंगे या बाइक को छोड़ना पड़ेगा, अंदर बाइक अलाउड नहीं है। इसी डैम के साइड में आप लोगों को छोटे मोटे दुकान मिल जाएगा, तो आप लोग जो भी ख़रीदना चाहते हो ख़रीद सकते हो। तो चलिए डैम के अंदर चलते हैं। लोग डैम घूम के आ रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं, आप लोगों को दिखा देंगे डैम कैसा दिख रहा है। यहाँ से देखने पर तो समुद्र जैसा दिख रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। आप लोग भी देखिए कैसा लगेगा, आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा। इसी डैम का लंबा 3780 मीटर है और ऊंचा 22 मीटर है। ये डैम बहुत खूबसूरत के कारण ये नुआपाड़ा जिला का टूरिस्ट प्लेस बन गया है। डैम के बीच में छोटे छोटे पहाड़ है, इसलिए और भी खूबसूरत बना देती है तिखाली डैम को। ये जो आप देख रहे हो ये गेट है, ये जब पानी छोड़ा जाता है तो इसको ओपन किया जाता है। ये डैम को देखने के लिए दूर दूर से भी लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ से बहुत से लोग यहाँ आते हैं पिकनिक के लिए। आप लोग भी आइए और यहाँ पिकनिक करिए। ये डैम का मेन गेट का वो पिछला हिस्सा है, यहाँ भी सीढ़ियाँ बनाया गया है और नीचे उतरने के लिए
आप यहाँ से नीचे उतर के भी इसका आनंद ले सकते हैं। ये जो नॉट और गेट इस टाइप का लगा है, इसी डैम का वर्क 1997 में स्टार्ट किया गया था, 2019 में वर्क कंप्लीट हुआ है। डैम को बनाने में 1626 कोटी का खर्चा हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।